नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस बेमौसमी बारिश से हमें अपने पौधों को बचाने के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप बारिश में रख सकते हैं, मगर कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनको दो दिन के लिए भी बारिश में रख दिया जाए तो ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों को आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनको हमें इस बारिश से बचाना है। सबसे पहले तो मैं आपको वे पौधे बताता हूं जिनको आप बारिश में रखते हैं तो वे पौधे ख़राब नहीं होंगे। पाम की वेराइटीज़ के जो भी पौधे हैं आप उनको बारिश में रख सकते हैं, ये पौधे बारिश में ख़राब नहीं होते हैं। जैसे अरेका पाम, चाइना पाम, लेडी पाम, साइकस पाम, ये सभी पौधे बारिश में रखे जा सकते हैं। इनके अलावा एरोकेरिया, फाइकस, क्रोटोन, तुलसी, गुड़हल, इन सब पौधों को आप बारिश में बाहर रख सकते हैं और ये पौधे बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। सर्दियों के मौसम में गुलदावदी के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप गुलदावदी के पौधों को भी बारिश में अब बाहर रख सकते हैं। अब इस समय बारिश का पानी गुलदावदी के पौधों में गिरेगा तो उनमें नई जान आ जाएगी। अब मैं आपको उन पौधों के नाम बताऊंगा जिनको बारिश के मौसम में हमें बचा के रखना है। पहले नंबर पर है क्लांचो। क्लांचो एक ऐसा पौधा होता है जिसमें एक महीने से भी अधिक समय तक फूल खिलते रहते हैं। सर्दी के मौसम में इस पौधे में फूल खिलते हैं और इस पौधे को हमें बारिश से बचा के रखना है। यदि ये पौधा दो या तीन दिन के लिए भी बारिश में रह जाएगा तो ये सूख सकता है, क्योंकि इसकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती है और इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी कई पौधे हैं जैसे डेफनबेकिया, एग्लोनीमा, जेड प्लांट, मनी प्लांट, पीस लिली और सेकुलेंट्स की सभी वेराइटीज़ और क्रेसोला ओटा, मॉस रोज, पर्पल हर्ट, बेबी सन रोज, बास्केट प्लांट, ये सभी पौधे हमें बारिश में नहीं रखने हैं। इन पौधों को यदि अधिक समय के लिए बारिश में रख दिया जाएगा तो ये पौधे सूख सकते हैं। इन सभी पौधों में क्लांचो एक ऐसा पौधा है जो लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहता है और इस पौधे की अधिक देखभाल करनी पड़ती है। ये एक ऐसा पौधा होता है जो सर्दी में ही अच्छी ग्रोथ करता है, गर्मी के मौसम में ये पौधा सूख जाता है। और जिन दोस्तों ने इस पौधे को गर्मी के मौसम में बचा लिया है वे इस पौधे को बारिश के पानी से भी बचा लें, क्योंकि ये पौधा ओवर वाटरिंग से भी सूख जाता है। गर्मी के मौसम और बरसात के मौसम से क्लांचो के पौधे को बचा लिया जाए तो फिर ये पौधा हमेशा अपने गार्डन में बना रहेगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती है, क्योंकि इसके फूल जो हैं कई वैरायटीज़ के होते हैं, अलग अलग कलर के फूल खिलते हैं और इनके फूल गुच्छों में खिलते हैं जो एक गुलदस्ते की तरह दिखाई देता है। इसलिए आप इन पौधों का विशेष ध्यान रखें। जो पौधे बारिश में ख़राब हो जाते हैं उनको अब बेमौसमी बारिश से बचा लें, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो बारिश में अच्छी ग्रोथ करेंगे आप उनको बाहर रख सकते हैं। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके सभी पौधे सुरक्षित रहेंगे। यदि लगातार कई दिनों तक बारिश होती है तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।